IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, 100 देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से दुगनी हो जाती है। दोस्तों यदि 100 सोमवार को शुरू हुआ हो तथा शनिवार को दर्शकों की संख्या 6400 हो तो पहले दिन दर्शकों की संख्या कितनी थी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम दो मेथड से करेंगे। दोस्तों जो आपको पसंद हो दोस्तों आप उससे अपनी परीक्षाओं में कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। दोस्तों जान लेते हैं दोनों मेथड क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम क्या, शनिवार को यहाँ से क्वेश्चन पकड़ेंगे। शनिवार को कितनी थी उसकी संख्या, शनिवार को थी उसकी 6400। शनिवार को 6400। अब शनिवार से बैक आओगे कहाँ, तो उससे पहले क्या होगी, उससे पहले यहाँ शुक्रवार होगा, यहाँ गुरुवार होगा, यहाँ बुधवार होगा, यहाँ मंगलवार होगा, यहाँ सोमवार होगा। स्टार्ट से दुगनी होती जा रही थी। अब दोस्तों सोमवार से स्टार्ट हुई थी, हमें शनिवार से देखना है। शनिवार को कितनी थी, 6400, तो सोमवार को क्या होगी, x। यहाँ मान लेते हैं हम x, तो x का दोगुना क्या होगा, 2x। यहाँ 2x हो जाएगी, फिर इसका दोगुना करेंगे क्योंकि दुगनी होती जाएगी ना अगले दिन, तो इससे अगला दिन जी बुधवार है, बुधवार को 4x हो जाएगी, इससे अगला दिन 8x हो जाएगी, यहाँ इससे अगला दिन यहाँ पर 16x हो जाएगी। अब क्या करना है दोस्तों हमें, यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर हमें संख्या दी गई 6400 और हमारे यहाँ 16x है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, 32x हो जाएगी। अब हमारा 32x दिया है इसमें और ये संख्या दी है 6400, तो हमारा शनिवार को क्या दिया है, शनिवार को हमें 32x हमारी ये डबल करते हुई थी और 32x बराबर हमें 6400 दिए हैं, तो हम x का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो x का मान हो क्या होगा हमारा, 6400 भागे 32, ये जाएगा हमारा दो बार में, इसका मतलब हमारी संख्या कितनी थी दोस्तों, हमारी संख्या थी 200। तो पहले दिन दर्शकों की संख्या दोस्तों हमारी संख्या निकल के आ गई है x, x का मान पहला क्या है हमारा सोमवार, तो हमारा यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि पहले दिन उसकी संख्या कितनी थी, तो हमारा इस हमने x का मान बराबर निकाल लिया इसका, तो पहले दिन हमारी कितनी थी 200, तो x बराबर यहाँ पर 200 थी, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ 200 थी तो यहाँ कितनी होगी, 400 होगी, यहाँ 800 होगी, यहाँ 1600 होगी, क्योंकि इसकी डबल होती जा रही दुगनी होती जा रही ना, दुगनी होती जा रही, तो मैंने एक्सप्लेन करके ये बता दिया हमारा आंसर ये ईजिली निकल आया। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड था। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, वो दोस्तों एक गुणोत्तर जो बहुत ही श्रेणी जिसमें गुणोत्तर श्रेणी होती है दोस्तों, उसको ये हम उससे भी ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी में एक सूत्र होता है दोस्तों, टी एन बराबर ए की पावर ए इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन, ये हम यहाँ पर फॉलो कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों इसका मान क्या है, ये टी एन बराबर हमें कितना दिया है, टी एन बराबर हमें दिया है 6400, और हमें ए बराबर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और हमारा आर का मान है हमारा 2, क्योंकि दुगुना होता जा रहा है, तो हम इसको टी एन का मान यहाँ सूत्र लगा देते हैं, टी एन बराबर ए आर पावर एन माइनस वन, तो हमारा टी एन का मान कितना दिया है, 6400 दिया है हमारा, और ए का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, आर का मान हमारा कितना दिया है यहाँ पर 2, आर का मान यहाँ पर 2 दिया है, और एन हमारा कितना दिया है यहाँ पर 6 दिन, 1 2 3 4 5 6, एन का मान 6 दिया है माइनस वन, ये हम सॉल्व करेंगे 6400 रहेगा, ये हम सॉल्व कर देंगे ए की पावर 2 माइनस ये हो जाएगी हमारी पर, यहाँ पर हम 6400 को ये सॉल्व कर देते हैं ए की घाते, ये आएगा हमारा 32, ये हमारा 2 यहाँ पर नेट नीचे रहेगा, यहाँ पर हमारा आएगा 32, 32 एक 32, 32 दूनी 64, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे उससे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार SSC परीक्षा में आ भी गया है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यह दोबारा पहली ऊंचाई की 3/4 उछलती है। एक गेंद है दोस्तों वहाँ पर 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया और यह पहली ऊंचाई की 3/4 उछलती है, तब तक उछलती रहती है जब तक रुक ना जाए, और यह लगातार उछलती रहती है जब तक रुकती नहीं है। तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए।
दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका तो आप आंसर भी पता भी होगा आपको, जान लीजिए क्या है दोस्तों। जैसे कि पूछा गया क्वेश्चन में एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, तो हम यहाँ पर 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ देते हैं, ठीक है ये छूट गई। अब क्या करना है दोस्तों, अब कह रहा है वो कि यह दोबारा पहली ऊंचाई की, पहली ऊंचाई हमारी यही है ना दोस्तों, यह हमारी पहली ऊंचाई क्या होती है, यह हमारी पहली ऊंचाई की 3/4 उछलती है, तो हमने ये 3/4 यहाँ उछाल ली। अब क्या कहता है ये दोस्तों, यह तब तक उछलती रहती जब तक कि रुक ना जाए, तो ये कहाँ तक उछलती रहेगी, अनंत तक। ये हमें यहाँ पर लॉजिक रखना है, ये तब तक उछलती रहेगी जब तक रुक नहीं जाती है, तो अनंत तक उछलती जाएगी। अब क्या करना है आगे हमको, आगे हमको ये करना है कि जो हमारी जी पिछली ऊंचाई थी जी, तो हमारी इससे पिछली हो गई, इसको भी हम उछालेंगे, तो हमारी अगली उछाल कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 10 × 3^4 का गुणा भी हम करेंगे 3×3^4, ये हमारी जाएगी अनंत तक। अब दोस्तों अपन को क्या करना है यहाँ पर, अब हमें देख लेना है, यहाँ पर एक श्रेणी बन रही है, श्रेणी क्या बन रही है दोस्तों, हमारी ये पहली जो स्टार्ट की दोस्तों हमारी ऊंचाई उससे आगे बढ़ती जा रही है, ये अनंत तक जा रही है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे जो हमारा गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अनंत वाला एस अनंत के लिए निकालने के लिए ए अपॉन 1 - r। अब दोस्तों ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, स्टार्ट ए का मान स्टार्ट जो दिया रहता है 10, और एक हमारा इसमें है ही आर का मान दिया है हमारा 3/4, क्योंकि अगले 3/4 वो चल रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आता है 10 × 4 ये आएगा हमारा 1/4। अभी हमारा 10 ऊपर पहुँच 10 ये हमारा 4 ऊपर पहुँच जाएगा, एक ही नीचे आ जाएगा, तो हमारा कितना आता है आंसर 40, ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों बिल्कुल ईजली सवाल है, आपको ये लॉजिक देखना है कि आपकी अनंत बार उछलेगी, और आपको ये गुणोत्तर श्रेणी का ये फॉर्मूला लगा देना है, इससे आप आसानी से ईजिली सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर नहीं आते हैं दोस्तों तो हमें कमेंट करें दोस्तों, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।